चमोली से विकासखंड स्तरीय कला उत्सव में छात्र छात्राओं ने दिखाए अपनी कला के जौहर। जनपद चमोली के प्रखंड नारायणगढ़ में आज विकासखंड स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता में कक्षा 1 से 12वीं तक की विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिता आयोजित, जिसमें प्रखंड भर से आए समस्त विद्यालयों की कला प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी कला का जौहर दिखाया। बृहस्पतिवार को रायका नारायणगढ़ के सभागार में आयोजित एक दिवसीय कला उत्सव का आगाज ब्लॉक प्रमुख यशपाल सिंह नेगी, खंड शिक्षा अधिकारी खुशहाल सिंह टोलिया, कला उत्सव के संयोजक भरत सिंह नेगी, सह संयोजक पुष्पा कनवासी, कला समन्वयक श्रीमती बिमला हरिमोहन नेगी, प्रधानाचार्य वीरेंद्र सिंह नेगी आदि ने सर्वप्रथम मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करके कला उत्सव का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता का आगाज GGIC की कुमारी अंजलि ने शास्त्रीय गायन और आलापों से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शास्त्रीय गायन में अंजलि ने प्रथम स्थान तथा रायका हंस कोटी की महेश्वरी ने द्वितीय स्थान हासिल किया। शास्त्रीय नृत्य में GGIC नारायणगढ़ की हर्षिता ने प्रथम तथा जनता इंटर कॉलेज नैडी बूंगा की कुमकुम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके बाद लोकगीत में जनता इंटर कॉलेज नैडी बूंगा की रवीना ने पावन मेरो उत्तराखंड गढ़भूमि मेरो महान गाकर कला उत्सव में लाजवाब समा बांध दिया। विजेता प्रतिभागियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन चिंतावड़ी देवराडी एवं विमला ने संयुक्त रूप से किया। और यहाँ पर मैंने शास्त्रीय नृत्य कथक किया है। फिल्म के गाने घरमोरी परदेसिया पर बाकी सभी जो प्रतिभागी थे उन्होंने भी बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है और मुझे उम्मीद है कि हम में से ही किसी को प्रथम स्थान मिलेगा। मेरा कहना है कि उनको इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग करना चाहिए। हम अपनी संस्कृति को इस तरह से बचा सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंडी जो संस्कृति है उसको खत्म होने की कगार पर कौन पहुंचा रहा है। अगर हमें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रतिभाग ना ले तो हमारी संस्कृति खुद ब खुद नष्ट हो जाएगी। मैंने मैंने यहाँ पर गढ़वाली गानों में डांस किया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे स्कूल वाले और पूरे उत्तराखंड वाले ऐसे ही हमारी संस्कृति को बरकरार रखें और जैसे मैंने यहाँ पर डांस किया है और अन्य लोग ने बहुत अच्छा डांस किया है और मैं चाहती हूँ कि सबको प्रथम स्थान प्राप्त हो। मैंने यहाँ पे लोकगीत गाए हैं पावन मेरो उत्तराखंड गढ़ी मेरो गढ़देसा और मैं चाहती हूँ कि उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करूँगी और मेरे सभी सहपाठी यहाँ पे प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रतिभा दिखाया और वो मैं चाहती हूँ कि वो इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा दें। एक संदेश और एक मंच है बच्चों के द्वारा आज ये समाज तक पहुँचे और समाज में भी इन संस्कृति और जो शास्त्रीय संगीत नृत्य है उनको और बढ़ावा मिले। कला उत्सव पहले ये जिला स्तर पर शुरू होता था लेकिन हमने इसको अपने ब्लॉक स्तर पर भी सर्वप्रथम बार अभी शुरुआत की है और आगे हम इसको और बड़ा मंच देंगे जिससे लोग इसको समझ सके और इसमें हमारे मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहेगा कि वो इसको किस तरह से प्रस्तुत करे जिससे हम आज हमारे पास 10 विद्यालय आए हैं तो अगली बार हमारे 27 के 27 विद्यालय प्रतिभाग करेंगे और क्योंकि ये नवंबर में ये राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होनी है उससे पहले अक्टूबर लास्ट सप्ताह में ये जिला स्तर पर होगी तो हमारे बच्चे जितने भी बच्चे यहाँ से निकलेंगे मुझे उम्मीद है वो जिला स्तर से और राज्य स्तर पर अवश्य प्रतिभा करके आगे बढ़ेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बहुत पहले से ही जब 2015 से शुरुआत हुई थी वो हर साल लगभग जिला स्तर पर अपने बच्चों को प्रतिभा करते हैं और उनकी लगभग 10-12 बालिकाएं लगभग राज्य स्तर पर भी प्रतिभा कर चुकी हैं और वहां से भी उन्होंने स्थान प्राप्त किया है और अभी ये अन्य विद्यालय अब समझ पाए इसको तो धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ काफ़ी अच्छे बच्चे यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं और
बच्चे अभी तो देखेंगे फिर इसको सीखेंगे और उनके साथ साथ और अन्य विद्यालय भी इसमें आगे बढ़ेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आज हमारे यहाँ खंड स्तरीय कला उत्सव का आयोजन किया गया जिसमें हमारे यहाँ 10 विधाओं में छात्रों ने प्रतिभाग किया, जिसमें विभिन्न विद्यालयों से छात्र एवं छात्राओं ने प्रस्तुतिकरण दिया। और हमारा जो उद्देश्य है अपने संस्कृति को विश्व मंच तक ले जाने का और अपनी एक अलग पहचान बनाने के, उत्तराखंड की एक अलग पहचान बनाने के लिए, और मेन हमारे संस्कृति से, हमारी कला से, हमारी परंपराओं से विश्व को जागरूक करने के लिए हमने ये एक छोटी सी पहल की है। गायन है और लोक नृत्य है, उसमें सभी विधाओं में सभी राज्यों के भाषाओं को महत्व दिया गया है, उसमें ऐसा उत्तराखंड से नहीं, उसमें सभी विधाओं को प्रस्तुति के लिए जो है प्रस्तुति दी गई है। यहाँ पर जो है हमारे छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़ के कला उत्सव में प्रतिभाग किया गया जिसमें हमारे छात्रों ने सभी राज्यों की झलकियों संस्कृतियों की झलकियों को प्रस्तुत किया मंच पर, और उनमें एक नया उत्साह एवं जोश था जो एक प्रोत्साहन के कारण है। खबर भारत वर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।